वाणिज्यिक कर विभाग के कर सहायकों का धरना प्रदर्शन। वाणिज्यिक कर विभाग राजस्थान में राजस्थान कर सहायक संघ के तत्वाधान में राज्य में कार्यरत कर सहायकों का 29 तारीख से 5 अक्टूबर तक संपूर्ण कार्य का बहिष्कार किया जा रहा है। इसी के चलते शहर में भी गायत्री आश्रम के सामने स्थित विभाग में धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। संभागीय सचिव बद्रीलाल जाट और ललित कुमार शर्मा ने आज हमारे संवाददाता को बताया कि मुख्यमंत्री महोदय ने बजट घोषणा में वेतन विसंगति को दूर करने का आश्वासन दिया था, लेकिन उसे आज तक पूर्ण नहीं किया गया। इसी तरह कर सहायक पद की ग्रेड पे 3600 पदोन्नति, कोटा बढ़ाने, रिक्त पदों पर भर्ती सहित विभिन्न मांगों को लेकर पूरे राजस्थान में आंदोलन किया जा रहा है। आंदोलन की शुरुआत में मुख्य आयुक्त वाणिज्य कर विभाग को ज्ञापन दिया। दो दिन पूर्व भी समस्त कर सहायकों द्वारा काली पट्टी बांधकर आक्रोश जताया गया था, लेकिन विभाग के नकारात्मक रुख के कारण तथा मांगे नहीं मानने पर अभी संपूर्ण कार्य बहिष्कार किया जा रहा है। साथ ही धरना प्रदर्शनकारियों ने यह भी कहा कि अगर मांगों को नहीं माना जाता है तो कर सहायक संघ को मजबूरन प्रदर्शन, भूख हड़ताल इत्यादि सख्त रुख अपनाने के लिए बाध्य होना होगा। भीलवाड़ा से नवभारत समाचार संवाददाता लोकेश तिवारी की रिपोर्ट। की ओर से धरना प्रदर्शन किया जा रहा है, तो इसमें क्या है कि जैसे हमारे कर सहायक संघ की 4 सालों से जो हमारी मांगे हैं वो पेंडिंग चल रही है, तो उसमें क्या है कि 37% से 87% की जो फाइल है वो पेंडिंग चल रही है, और हमारे पर क्या है कि उसमें 3600 ग्रेड भी की भी मांग है, और हमारे इसमें कार्यभार भी ज़्यादा है कर सहायक संघ के ऊपर, तो उसके क्या नवीन पद भी सज्जित नहीं हो रहे हैं, तो इस तरह से कर सहायक संघ के ऊपर बहुत सारा कार्यभार है। और GST में जैसे ही GST का नया एक्ट लागू हुआ है तो इसमें सबसे ज़्यादा कार्यभार हमारे कर सहायक संघ के ऊपर है, तो इस तरह से हमारी मांगे हैं। पूरे राजस्थान में जो हमारे अध्यक्ष हैं अजय जी मीणा साहब, तो उनके नेतृत्व में हम ये आंदोलन कर रहे हैं, और हम 27 तारीख से ये धरना हमारा स्टार्ट हुआ धरना प्रदर्शन, तो इसमें 27 को काली पट्टी बांधकर हमें विरोध प्रकट किया गया, और अभी 29 से 5 तक हमारा पूर्ण कार्य बहिष्कार रहेगा, और आगे भी हमारा संघ जैसे निर्देश देगा उस तरह से हम काम करेंगे और धरना प्रदर्शन करेंगे। तो हम ये विभाग से ही यही उम्मीद करते हैं कि वो हमारी मांगे माने और हमारे कार्यभार को देखते हुए उसका निस्तारण किया जाए, क्योंकि हमें 12 साल से एक ही पद पर हम लगे हुए हैं, तो हमारे में रोष व्याप्त है, हमारे पदोन्नति के अवसर कम हो गए हैं और निराशा छाई हुई है, तो हमारे काम को देखते हुए, हमारी इम्पोर्टेंस को देखते हुए, और जो हमारे 12 साल का जो लंबा समय बीता है तो उसको देखते हुए हमारी मांगों का निस्तारण किया जाए। मैं संभागीय सचिव बद्रीलाल जाट